हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसमें ये भी बताएंगे कि सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी है फिजिक्स की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देखिए, कक्षा 11th की परीक्षा के लिए निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार है फ्रेंड्स, और सबसे बेस्ट किताब है नूतन नगीन प्रकाशन की है। और इसमें सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका चित्र देख लीजिएगा। ये बहुत ही इन्हीं के जो प्रकाशन है, संस्थापक यही है, नगीन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सबसे बेस्ट किताब है। और फ्रेंड्स, इसमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्वेशन इसमें दिया होता है, प्रश्न तथा उसका आंसर दोनों दिया होता है। तो आपके लिए बढ़िया किताब है। तो हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद भौतिक विज्ञान। देखिए यहाँ पे, ये यदि आप एनसीईआरटी की बुक लेंगे तो आपको भाग वन तथा भाग टू में दिया रहेगा, और आप यदि ये प्रकाशन नगीन प्रकाशन की पुस्तक लेंगे तो आपको इसमें देखिए मतलब एक ही किताब में दोनों दिया रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी जैसे रामायण है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका जो इसमें इकाई है फ्रेंड्स, अभी मैं इकाई के बारे में जैसे किस पार्ट से कितने नंबर आएंगे बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि पाठ कौन कौन से हैं। यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक जगत तथा मापन इसमें इससे दो अंक निर्धारित है, और शुद्ध गति की इससे 6 अंक आएंगे प्रश्न, और गति के नियम इससे आपको 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। और हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर कार्य तथा ऊर्जा शक्ति इससे फ्रेंड्स आपको 7 नंबर के अंक पूछे जाएंगे। और अभी दृढ़ तथा कणों के निकाय की गति, तो इससे आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और गुरुत्वाकर्षण से आपको 6 अंक, स्थूल द्रव्य के गुण इससे आपको 10 नंबर के, और ऊष्मा गतिकी से आपको 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगत सिद्धांत इससे आपको 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम लोग आगे देखते हैं। अभी फिर से यहाँ पर देखिए, दोलन तथा तरंगे इससे आपको 10 अंक के प्रश्न पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग विषय सूची को देखेंगे। विषय सूची में आपको कौन से पार्ट पढ़ने हैं ये दिखाएंगे। और ये 2021 के लिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया किताब है ये। देखिए यहाँ पे विषय सूची, विषय सूची में आपको भौतिक जगत पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स मात्रक तथा मापन, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। और हम लोग तीसरे पार्ट को देखते हैं, भूमि विश्लेषण है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतने प्रश्न हमेशा प्रश्न आते हैं। यहाँ पे चौथा पार्ट है भौतिक गणित, और पांचवा है ऋजु रेखीय पथ पर गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग हमारे इस चैनल पर कक्षा 11th के जो विषय है उसे फिजिक्स का सब पढ़ाया जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुरू हो गया है, और कक्षा 10 का जो है पूरा ख़त्म कर दिया गया है पढ़ा करके इस समय। और देखिए छठवां पाठ है हमारा सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, और यहाँ पे देखिए सातवां पाठ है बल न्यूटन की गति विषयक नियम, और आठवां पाठ है घर्षण, तो नौवां पाठ है वृत्ति गति, और दसवां है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। तो और हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड, ये मोटी किताब है, इसमें दोनों दोनों जो किताब है एक ही में दिया है, इसलिए मोटी किताब है। द्रव्यमान केंद्र या सन्निहित केंद्र मतलब इसका पाठ का नाम है फ्रेंड्स, और 12वां पाठ का नाम है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, और 13वां पाठ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, और 14वां पाठ है उपग्रहों की गति पलायन वेग। फ्रेंड्स, ये वाला पाठ जो पलायन वेग वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग अभी बहुत पाठ है फ्रेंड्स, इसको हम एक बार देख लीजिए सर्कल निगाह से कि कौन कौन से पाठ हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यावस्था, ये भी पढ़ना है आपको पहला। ये फ्रेंड्स, यदि आपको दूसरी किताब है तो आपको ये उस किताब में सेकंड वाले भाग टू में ये पाठ आपको मिलेंगे, और इस किताब में तो नगीन प्रकाशन में आपको दोनों साथ में दिया है। यहाँ पे देखिए दूसरा पाठ तरल दबाव दाब, और तीसरा है द्रवों का प्रवाह, और चौथा है पृष्ठ तनाव। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, यहाँ पे देखिए पाँचवा है ऊष्मीय प्रसार कैलोरी विधि, और छठवा है ऊष्मा स्थानांतरण, सातवां है फ्रेंड्स ऊष्मा गतिकी, आठवां है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऊष्मा इंजन ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। फ्रेंड्स, ये द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दसवां है
आदर्श गैस का व्यवहार तथा अनुभव सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये आप किसी भी जैसे नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप यदि पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे उसमें उससे भी मिलेगा। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। ग्यारहवा है सरल आवर्त गति, और बारहवा है फ्रेंड्स दोलन कंपन, और तेरहवा है तरंग गति। तो फ्रेंड्स अभी दो तीन चैप्टर और हैं, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, चौदहवा है प्रग्रामी आवर्त तरंगें, और पंद्रहवा है तरंगों का अध्यारोपण विस्पंद। फ्रेंड ये जो हेडिंग है ना, ये जो मतलब तरंगों का अध्यारोपण, मतलब कोई भी पार्ट ले लीजिए, ये जो हेडिंग है सब आपको हेडिंग बाय हेडिंग, मतलब जो हेडिंग होती है कि इस पार्ट में आपको हेडिंग पढ़ना है, तो आपके लिए ये है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 16वां पार्ट है अप्रगामी तरंगे वायु स्तंभों के कंपन, और 17वां है तनी डोरियों के कंपन अस्तर मापी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और डॉपलर का प्रभाव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये थे फ्रेंड्स वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए।